राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश की शांति व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर यहाँ की शांतिवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए बृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि कानून अपना काम करेगा और अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है, सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको, उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी।